सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम सॉल्व चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो जो कि आपके काफी काम आएगा, जी फ्रेंड्स आपको पता है कि यार अभी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा जो केस बना हुआ है वो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स अभी लास्ट में जो मैंने वीडियो बनाया था आपने देखा होगा कि वहां पर जो उस टाइम पे जो टिकटॉक की रेटिंग थी वो थी 2, यानी आउट ऑफ 5, यानी 5 में से जो उसकी रेटिंग थी वो सिर्फ 2 थी। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है कि क्या सिर्फ रेटिंग कम करने से क्या टिकटॉक बैन हो सकता है, एक ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आई थिंक हो सकता है शायद अगर आपको ना पता हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिससे कि बिल्कुल आप श्योर हो जाएंगे कि टिकटॉक बैन हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं कि जस्ट ठीक है भाई हम अगर उसको रेटिंग दे दें तो जस्ट रेटिंग देने से अगर टिकटॉक बैन हो जाए, तो ऐसे नहीं। क्योंकि अगर दोस्तों प्ले स्टोर पर आप देखेंगे तो प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो 1 रेटिंग तक भी हैं, लेकिन वो भी ऑलरेडी सालों साल तक वो जो है स्टेबल है, यानी पहले से पड़ी हुई है उसके अंदर, वो वहाँ से नहीं बंद होती। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, इसका सिर्फ सॉल्यूशन एक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और कि भाई आखिर में क्यों बंद हो सकता है टिकटॉक, तो दोस्तों टिकटॉक बंद होने का सबसे मेन कारण दोस्तों आपको पता है कि सबसे अभी जो इस टाइम पे सबसे जो गर्म माहौल है वो है यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक, यानी कि कैरी मिनाटी जी ने जो वीडियो बनाया था उसके अगेंस्ट ही वीडियो डिलीट हुई। उसके बाद में यहाँ पर फिर से बवाल मच गया, फिर से अगेन यार जो टिकटॉक जो मतलब एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर पता है कि मतलब भारत में ना एक चीज़ की तो एकता है भाई कि जो सोच लिया कि भाई करना है तो करना है, यानी कि उसको किसी भी चीज़ को अगर पीछे कर देना है, चाहे वो कोई भी यार कोई भी केस हो, अगर उन्होंने सोच लिया इसको हटा देना है अपनी ज़िंदगी से, उसको निकाल फेंकना है, तो भैया वो जाएगा ही जाएगा, चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, तो वो कुछ भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको बता दो कि लास्ट को पता जब लॉकडाउन फर्स्ट चल रहा था तो दोस्तों उस टाइम पर जो है टिकटॉक ने कुछ पैसे डिनोट किए थे, यानी कह सकते कि 100 करोड़ रुपये डिनोट किए थे इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पे देखा था टिकटॉक की जो भी मतलब यार जो ये कंपनी है ना, ये रियली में यार बहुत ही चालाक है भैया। आप इसको तो ये समझिए कि जो इसकी प्राइवेसी एंड एक्सपेक्टेशन यार कोई ना इनकी कोई गाइडलाइंस है ना कुछ भी नहीं पता यार कि कौन से कंटेंट इस पर डल रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, किस चीज़ की क्या ट्रैकिंग है, कुछ भी नहीं पता। जो है भैया सब चले जाए करते रहो। तो यार ये सारे जो मसले हैं इनको सॉल्यूशन करने का सिर्फ एक ही है कि भैया टिकटॉक बैन होना चाहिए, लेकिन टिकटॉक बैन तभी होगा जब आप दूसरा कदम उठाएंगे। देखिए पहला कदम आपने क्या किया कि भैया टिकटॉक की रेटिंग कर दी डाउन, यानी एक एक स्टार दे दे के उसकी रेटिंग की जो ऑल ओवर जो पूरी रेटिंग होती है वो कर दिया आपने 1.3, यानी कि हो सकता है यार कल परसों में तो बिल्कुल ये 1 तक पहुंच जाए, जो 1.3 वो जो 0.3 है ना वो भी घट के 1 पहुंच जाएगी जहां तक एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ रेटिंग कम करने से नहीं, आपने पहला स्टेप क्या रेटिंग कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सेकंड स्टेप करना है वो ये करना आपको कि अब आपको टिकटॉक को जो है अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करके यानी रेटिंग दे के उसको अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में जो है टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको भी डिलीट कीजिए। तो तब जाके एग्जैक्टली यार अगेन अगर मान के चलिए कि टिकटॉक वापस आ भी जाता, जैसे एक आपको पता लास्ट टाइम एक बार बैन हुआ था, अगेन उन्होंने बोला भैया हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपनी पॉलिसी मजबूत कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, देन उसके बाद में अगेन वापस वो आ गया। ऐसे दोस्तों बाद में भी किसी एक कंट्री में वहाँ पर भी सेम यही चीज़ हुआ कि भैया वो बैन हुआ, फिर से अगेन उन्होंने बोला ठीक है सर माफ़ी मांगते हैं भैया, हम जो है अपनी पॉलिसी को करेंगे अपडेट, और अगर कोई क्रिएटर ऐसा गलत कर रहा तो उसको कर देंगे बैन। तो यार देखिए ये सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि अगर टिकटॉक अगेन आता भी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी इंडिया सरकार मतलब भारत सरकार ने अगर उनको बैन भी कर दिया, तो अगेन वो जो है अपनी गलतियों को मानकर बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखकर तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं चांसेस हो कि वो वापस अगेन आ जाए। दोस्तों अगर वो वापस अगेन आता है तो ऐसा होना चाहिए कि भाई उसके पास यूज़र ही ना रहे, मतलब कुछ हो ही ना, और जब कुछ होएगा नहीं तो उसका बेनिफिट क्या है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसको, चाहे वो वापस 10 बार आ जाए तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं होना, क्योंकि जब यूज़र ही नहीं रहेंगे तो यार फ़ायदा क्या होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको क्या करना, पहला स्टेप आपने उसकी रेटिंग दे दी, उसकी बिल्कुल डाउन कीजिए रेटिंग जो ऑलरेडी चल रही है, सबने बिल्कुल कमाल और धमाल मचा के रखा हुआ है। ओके तो ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने पहला काम कर दिया रेटिंग डाउन कर दी, अब दूसरा काम आपको यहाँ पे करना है टिकटॉक के एप्लीकेशन को डिलीट मार दिया, यानी अपना पूरा अकाउंट डिलीट कीजिए, और इसके बाद में यहाँ पर जो है जब वो दोबारा टिकटॉक आने की भी करेगा तो उसके बाद जब कुछ बचेगा कोई बेनिफिट को नहीं होगा, तो बस दोस्तों इस तरीके से जो है यहाँ पे टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए चाइना ही एक ऐसा देश है जहां से ऐसी महामारी फैली है, जहां पर लोगों को इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने लोग
बहुत कुछ यार, आप सब आपकी नजरों के सामने है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, अगर टिकटॉक को बैन करना है तो इसका यही एक रास्ता है कि ऐसा कर दो कि वापस भी आए तो वो कभी खड़ा ही ना पाए। तो याद फ्रेंड्स ये तो इस तरीके से हम जो है ऐसे काम करके जो है टिकटॉक को एकदम उखाड़ फेंकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज को आप जो है फॉलो कीजिए और उसके बाद में इन सभी स्टेप को देखिए और जो टिकटॉक को हटाइए अपनी लाइफ से, क्योंकि यार कंटेंट अगर कहते हैं सिर्फ 5% अच्छे हैं बट 95% टिकटॉक के ऊपर जो कंटेंट है ऐसे ही है जिनका कोई मतलब नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे कंटेंट का जो कि कुछ ऐसे हो, क्योंकि आपका फोन आपकी फैमिली मेंबर में किसी के पास भी आ सकता है और सोचो क्या हो सकता है उसके बाद। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने टिकटॉक हटा दिया या अभी सिर्फ सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो बेनिफिट नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना ऐसा तबाही मचा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है कि टिकटॉक भी बहुत कुछ कर बैठे। तो बस अब आपको सोचना है और समझना है और इसको टिकटॉक को उठाड़ फेंकना है। और बस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने टिकटॉक को कर दिया इंस्टॉल या नहीं। दोस्तों बस फिलहाल में सकते हैं, चैनल पर है नए चैनल को ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।